अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, परेशान लग रही हो? अफ़ान का मैसेज आया है, वो 2 दिन में वापस आ रहा है। माँ के बजाय मुझे मैसेज कर रहा है। क्या अच्छा, मुझे लगा कि लगा? कुछ नहीं, मुझे लगा तुम आंटी किसी बात पे अपसेट हो। माँ की किसी बात? माँ की तो हर बात से मुझे अब परेशानी होती है। मुझे तो अफ़ान की फिक्र है, ना जाने वो क्या करेगा। वो बहुत जज्बाती और हाइपर है, कोई हंगामा कोई तूफान ना बर्पा कर दे। मैं हाँ ये तो है, लेकिन नाल हम भी कुछ नहीं कर सकते इस बारे में। तुमने दुर्दाना पप्पू से बात की? अच्छा, उनसे क्या कहूँ, वो कुछ नहीं कर सकती। क्या तो फिर यूं करो कि तुम परसों घर चली जाओ। अफ़ान ने तुम्हें कॉल करके इन्फॉर्म किया था, तो आई गेस तुम्हारा वहां होना ज्यादा जरूरी है। माँ के घर, मतलब माँ से मिलने, नेवर। नाल वो तुम्हारा भी घर है, तुम वहां जाओगी तो सिचुएशन देख सकती हो, इरफान को हैंडल कर सकती हो। मैं नहीं जाऊंगी वहां। मिनाल, तुम मां से नाराज हो, भाई से तो नहीं? उसके बारे में तो सोचो, उसका अगर दिमाग खराब हो गया, तुम्हें अच्छी तरह पता है उसके दिमाग का। अगर उससे किसी को नुकसान पहुंचा दिया तो उससे कोई बाइद नहीं, अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकता। अल्लाह ना करे। हाँ अल्लाह ना करे, बट अफान जब वहां पे उस मकार लड़के को देखेगा आंटी के साथ, तो किसी भी तरह रिएक्ट कर सकता है, और वो भी अपनी माँ के शोहर के रूप में कुछ भी कर सकता है ना। तुम ठीक कह रहे हो, मैं जाऊंगी, बल्कि तुम भी मेरे साथ चलना। नहीं यार, मैं नहीं जा रहा, अपने खानदान के मसलों से दूर रखो मुझे। डिनर लगवाओ, मैं आता हूँ।